ईश्वर पर विश्वास की कहानी। जय श्री राम दोस्तों, आज की कहानी ईश्वर पर विश्वास की कहानी है। ये कहानी आपके जीवन को सफल करने में आपकी हेल्प करेगी। कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए। एक गांव में एक लड़का जिसका नाम राजू था, वह अपनी माताजी जिसका नाम शालू था, अपने बेरोजगार बेटे के साथ अपने घर में जैसे तैसे अपना जीवन यापन व्यतीत कर रहे थे। क्योंकि राजू इतनी ज्यादा पढ़ाई करने के बावजूद भी उसे किसी प्रकार की अभी भी नौकरी नहीं मिली थी, जिस कारण से उसकी माँ शालू किसी तरह से कोई भी किसी के घर में काम करके या तो वहां से लकड़ी लाकर उसके घर का खर्चा चल पाता। वह एक दिन जब राजू बाहर से खेल कूद कर घर आता है, वह अपने माँ को कहता है कि मम्मी, मुझे एक दोस्त ने शहर बुलाया है काम करने के लिए। तभी उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा, शहर नहीं जाना है, वहां के हालात सही नहीं रहते हैं, हम लोग यहीं पर रहो, जो करना है छोटे मोटे काम करके अपना जीवन सुखी सुखी मेरे साथ व्यतीत करो। लेकिन फिर भी उसकी मम्मी की बात ना संकरा, जो कहता है कि नहीं, मुझे तो शहर जाना है, मेरा दोस्त वहां अच्छा कमाई कर रहा है। उसके बाद उसकी माँ कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम चले जाना, लेकिन इससे पहले वादा करो कि अगर वहां तुम्हें ऐसे ही काम नहीं मिलेगा तो तुम घर पर वापस आ जाओगे। उसके बाद दूसरे दिन शालू कहती है कि चलो, मैं तुम्हें मंदिर लेकर जाऊंगी, वहां श्री गणेश जी का आशीर्वाद लेकर तुम्हें शायद जाने के लिए निकलना चाहिए। शालू और राजू दोनों श्री गणेश जी की आशीर्वाद लेने के लिए घर से निकलता है और मंदिर जाता है। मंदिर जाकर श्री गणेश जी से आशीर्वाद लेकर वापस आता है। फिर उसके बाद वह शहर के लिए काम करने के लिए अपने दोस्त के पास निकल पड़ता है। वहां जाने के बाद से एक गिरा पड़ा मतों निकले स्तर का काम मिलता है, लेकिन फिर भी उसके लिए वह सही था, क्योंकि उसके पास पैसे बहुत कम पर घर की हालत बहुत खराब थी, किसी प्रकार की नौकरी नहीं मिल रही थी और उसका नाम से रखो ज्यादा परेशान रहता था। राजू भाई के काम करने लगा। काम करते करते काफी ज्यादा दिन बीत गया था। बीच बीच में राजू अपने मम्मी को अपने दोस्त के द्वारा उसे मोबाइल पर फोन करके अपनी मम्मी से बात कर लिया करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और हालात शहर में बिगड़ते गए हैं। एक समय ऐसा आया कि उसकी मम्मी को राजू का महीनों तक कोई खबर नहीं मिल पा रहा था, जिस कारण से उसकी मम्मी बहुत ज्यादा चिंतित था। उसके बाद होगा राजे के दोस्त के घर मिलने जाता है और कुछ पाया गया जो का क्या हाल चाल है, बहुत दिनों से ना तो उन्होंने पैसे भेजे और ना ही फिर बातचीत किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारे अन्य दर्शक भी इस कथा का श्रवण कर सकें और ऐसी ही व्रत कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तू ही राजू का दोस्त कहता है कि राजू शहर में अपना काम करने के लिए सेठ से कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन काम सही नहीं होने के कारण वह पैसे सारा खत्म हो चुका है। अभिषेक जी उसे पकड़कर जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, इसी कारण से वह बहुत दिनों से बातचीत नहीं कर रहा है और घर आने के बारे में सोच भी नहीं रहा है। उसके बाद राजू की मम्मी आलू जी शहर की तरफ चल पड़ती है और कहती है कि मैं जा रही हूं अपने बेटे से मिलने के लिए। जिसे वह अपने बेटे के पास पहुंचता है, राजू अपनी मम्मी को देखा कहता है कि मैं तो यहां पर हूं और आप भी आ गए यहां मुश्किल हालात में जीने के लिए। उसके बाद शालू कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास बचे हुए पैसे हैं, उसे बेगमपेट से कुछ दिन की मोहलत मांग लूंगा, फिर उसे बाद में वही पैसे चुका दूंगा। उसके बाद उसे मम्मी से एक से बात करती हो कहती है कि मुझे कुछ दिनों की मोहलत दी जाए, मैं सपना सारा पैसा चुका दूंगी। फिर तो लोग अपने बेटे को लेकर गांव की तरफ निकल पड़ता है और घर में जाकर कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस करने के बारे में सोचती है। जिसे वह बिजनेस करने के बारे में सोच ही रहे थे कि उसके घर के बाहर एक व्यक्ति आता है और कहता है कि माँ जी, आपको ज्यादा चिंतित लग रहे हैं, मुझे बताइए क्या बात है। शालू वैसा ही करती है, वह अपने घर में जलेबी की दुकान खोल देती है। रेलवे की दुकान काफी अच्छी तरह से चलने लगती है। चालू जब भी जलेबी की दुकान बोलती थी, उसके दुकान के सामने बच्चे जो किया ना होते हैं वहां जाते थे, लेकिन सालों से बिल्कुल भी अच्छा नहीं करती थी। को सब्जी अनाथ बच्चों को मदद किया करते थे, जिस कारण से वह व्यक्ति है देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता था।
शालू हमेशा से ही ऐसे ही काम किया करती थी। वह अनेक वाली काम तथा धार्मिक वाली काम बहुत ज्यादा किया करती थी। जो बूढ़ा व्यक्ति उसके जलेबी बनाने वाली बिजनेस में मदद किया था, वह भी आसपास देखकर बहुत ज्यादा मुस्कुराया करता था। महीने के अंत तक पहुंच गया था। बिजनेस बहुत अच्छी चल रही थी कि फिर से जलेबियां लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी। जो बूढ़ा व्यक्ति उसके साथ जलेबियां बनाया करता था, वह हंस जलेबियां बनाने में बहुत ज्यादा निपुण था, जिस कारण से सभी लोगों को उसकी जलेबियां काफी ज्यादा पसंद आ रही थी। मई के अंत में शालू बूढ़ा व्यक्ति से पूछती है कि एक महीना हो गया है, हम लोग का बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आपकी मजबूरी क्या होगी बताइए, सभी लोग हिसाब कर अपना अपना मजबूरी बांट लेंगे। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मेरा ना ही इस दुनिया में वही है और है, और ना ही मुझे मरते वक्त धन इकट्ठा करने की जरूरत है। इससे अच्छा होगा कि आप अपने बेटे के लिए तथा अपने बेटे के बेहतर भविष्य के लिए इंसान को बचा कर रख ले। तू उस व्यक्ति से कहती है कि क्या आपने जो मेहनत किया है उसके बदले में कुछ भी नहीं लेंगे। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, मेरा तो काम ही है लोगों का मदद करना। तुम जो अपने हिस्सों में से अनाथ बच्चों तथा बेसहारा लोगों को खाना खिलाया करती है, यह बात मुझे बहुत पसंद आती है और यही मेरी मजदूरी है। उसके बाद शालू कहती है कि अच्छा, आप कौन है जो सबकी मदद करते हैं? कोई भी भगवान श्री गणेश तुरंत अपने प्रकट हो जाते हैं और उस बुलिया के सामने प्रकट जाता है। शालू देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है और वह हमेशा उसी दिन से भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना में बहुत ज्यादा विलीन हो जाता है। अब तो उसकी अच्छी खासी बिजनेस चल रही थी और फिर राजू भी अपना अलग काम करने के बारे में सोचने लगा था, जिस कारण से उसका घर परिवार अच्छी तरह से गुजर बसर होने लगा था। आगे चलकर राजू ने शादी करने का फैसला किया। साधु उस दिन बहुत खुशी दे क्योंकि उसकी बेटी की शादी होने वाली थी। इसी तरह से दोनों लोग, तीनों लोग एक परिवार बनाकर सदा के लिए एक साथ रहने लगे थे।